देश के कई राज्यों में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली समेत कई राज्यों में गिरा तापमान। सुबह में बिन चादर अब छूट रही है कपकपी। नवंबर का लगभग आधा महीना गुजर चुका है और इसी के साथ देश के राज्यों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत में हल्की ठंड की आहट हो गई, तो वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ी राज्यों में भी हल्की बारिश के साथ कुछ इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर श्रीलंका के आसपास के क्षेत्रों में एक अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव क्षेत्र में बढ़ रहा है। इसकी वजह से 12 और 13 नवंबर के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात दिल्ली के मौसम की करें तो मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सुबह के वक्त हल्का कोहरा देखने के लिए मिला। वहीं ठंडी हवा चलने की वजह से हल्की ठंड का एहसास भी हुआ। मौसम विभाग की माने तो 16 नवंबर से दिल्ली में अच्छा कोहरा पड़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब कैटेगरी में बना हुआ है। दिल्ली में 11 नवंबर की शाम को दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर AQI 350 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहेगा। इसके अलावा सुबह के वक्त कोहरा देखा जाएगा। जहां एक तरफ उत्तर भारत में ठंड का एहसास बढ़ रहा है, वहीं दक्षिण भारत में बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज और कल बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो 12 नवंबर तक दक्षिण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, श्रीलंका तटों, मन्नार की खाड़ी और आसपास के कोमोरिन क्षेत्र के साथ साथ बंगाल के दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में ना जाएं। इसके अलावा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर मध्यम बारिश के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।